स्वागत है आपका बिग बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सुक्कू सरकार को एक साल हो चुके हैं, जश्न सरकार मना रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से इसको आक्रोश दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी के साथ ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। जयराम ठाकुर जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी धन्यवाद, थैंक यू। जयराम ठाकुर जी, आज सुक्कू सरकार के एक साल हो चुके हैं, जश्न का माहौल है, धर्मशाला की तस्वीरें हमने देखी, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि हमने गारंटियां पूरी की हैं, विपक्ष पर भी वो जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। वहां जश्न मन रहा है लेकिन विपक्ष इसको आक्रोश दिवस के रूप में मना रहा है। देखिए, सरकार का एक साल कार्यकाल पूरा हुआ जी, और कांग्रेस पार्टी में ही इस बात को लेकर के बहुत असमंजस था कि जश्न मनाने लायक कोई चीज है नहीं, लेकिन कुछ दो तीन लोगों की जिद थी कि ये करना ही है और इसलिए किया। और बहुत विचित्र लगा पूरे देश को, ये पूरे प्रदेश को, ये कि हिमाचल प्रदेश में एक तो आर्थिक तंगी के दौर में से गुजर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार हर भाषण में इस बात को बोलते हैं, आज भी बोल रहे थे जी। और दूसरे वहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाइए कोई बात नहीं, अगर लेकिन जश्न मनाने लायक कोई एक चीज भी होती गिनती के लिए तो भी हम मानते हैं। सिर्फ चार साल बचे हैं और एक साल इनका पूरा हो गया, इनको इसी बात में संतोष है कि एक साल हमारा ठीक ठाक निकल गया, ठीक ठाक यानी कि सत्ता में रहते हुए निकल गए। अगर आप इस बात को पूछेंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जश्न किस बात का है मुझे बताइए तो सही। हिमाचल में अब की बार त्रासदी में 500 लोगों की जिंदगी चले गई है बरसात में, और 15,000 के करीब लोग जो है बेघर हो गए, जबकि हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश था जहां एक भी परिवार घर के बिना नहीं था, सबके पास घर था। आज 15,000 के लगभग लोग जो है वो दूसरे घरों में ठहरे हुए हैं, किराए के घरों में ठहरे हुए हैं, टेंट में ठहरे हुए हैं, और ऐसे में जश्न मनाने का क्या औचित्य। और उपलब्धि के नाम पर अगर हम बात करें, कौन सी उपलब्धि है? 10 गारंटी दी थी, 10 में से एक भी पूरी नहीं हुई है। और जो झूठ बोल करके, कितना झूठ बोलेंगे? और इसका परिणाम आपने आज देखा होगा कि कहा तो यह था कि राहुल गांधी जी भी आएंगे और कहा था कि प्रियंका गांधी भी आएंगी, और प्रियंका गांधी हिमाचल में होते हुए भी, शिमला में होते हुए भी उन्होंने जाने से मना कर दिया। ठीक है, और इस बात को भी उनको समझना चाहिए कि उनको महसूस हुआ कि ये साल जो है वो जश्न के लायक नहीं है। ठीक है, ठीक है। जयराम ठाकुर जी, आपने गारंटियों का जिक्र किया है क्योंकि धर्मशाला में जब संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी गारंटियों का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं 3 गारंटियां हमने एक साल में पूरी कर दी हैं, आगे जो वादे जनता से किए हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। ये कौन सी गारंटी? ओपीएस की बात करते हैं वो, और ओपीएस के सिलसिले में सिर्फ इतनी बात है कि अभी ओपीएस का जो है वो किसी को मिली तो है नहीं, ओपीएस की प्रोसेस शुरू की है, साल उसी में ही बीत गया, और उसके बाद दूसरी गारंटी तीसरी गारंटी का जिक्र तो करें। हम पूछे तो सही, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए 1500 रुपए 18 से ऊपर की आयु की देने की बात कही थी, जनवरी के महीने से दे देंगे, लेकिन दूसरी जनवरी आ गई यानी कि एक साल बीत गया, एक महिला को पैसा नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को 5 लाख नौकरियां देंगे और एक साल में 1 लाख देंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिया जाएगा 1 लाख का। एक नौजवान को बेचारे को नौकरी मिली नहीं, और उल्टा हिमाचल प्रदेश में 10,000 आउटसोर्स में कर्मचारी लगे थे उनको नौकरी से निकाल दिया, 7 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली। और कोविड में जिन लोगों ने जिंदगी को जोखिम में डाल करके लोगों के जिंदगी बचाने का काम किया उनको भी हटा दिया जी। तो गारंटी हुई कौन सी पूरी? 300 यूनिट बिजली की कही थी, उल्टी बिजली महंगी कर दी, 1 यूनिट बिजली फ्री दिया नहीं। कहा था युवाओं को हम 680 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फंड ये करेंगे और उसके माध्यम से उनको अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। दूध की कीमत कही थी, आज दूध की कीमत के लिए घोषणा की है जी कि 6 रुपए शायद मेकल उसमें बढ़ाने की बात की, इसके अलावा और कुछ नहीं। गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे, तो हमारे लोग आज आक्रोश रैली में
गोबर लेकर के आए थे। ठीक है, ठीक है। जयराम ठाकुर जी, आपने आपदा का भी जिक्र किया, आपने कहा कि आपदा की जो तस्वीरें सामने आई उससे सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आपने कहा मतलब ही नहीं होता ये जश्न मनाने का, क्योंकि जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने देखी है। लेकिन वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपदा के वक्त तो विपक्ष की भूमिका साथ देने की थी उस वक्त, लेकिन इस पर जमकर राजनीति हुई है, राज्य से लेकर केंद्र तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है आपदा के वक्त भी। हमने पूरा साथ दिया है, केंद्र से मदद मिली है, और केंद्र में हम गृह मंत्री से भी मिले, रक्षा मंत्री से मिले, हम नितिन गडकरी जी से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, सबसे मिलकर के हमने बात की, और हिमाचल के लिए जो मदद करने की बात हुई वो मैक्सिमम की है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल के लिए आर्थिक रूप से ऐसे संकट में सबसे ज्यादा राशि आई तो अब की बार आई है। अब इसको वो नहीं गिनते हैं तो बात अलग है कि वो किसी चीज को गिनना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, जयराम ठाकुर जी, आपने आउटसोर्सिंग का भी जिक्र किया है। आप कह रहे हैं कि ओपीएस लागू कर दिया लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि पहले जो फंडिंग केंद्र की तरफ से होती थी उस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि कोविड अब नहीं है, और ऐसे में जो आउटसोर्सिंग के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम अपने तरीके से अब दोबारा से एक नई इसमें तैयारी कर रहे हैं, पूरा इसका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है विपक्ष को। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, वक्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं जी। और लोग इनको अब चौक चौराहे पर पूछ रहे हैं, और इसलिए इस बात को आपने देखा भी होगा, आज की रैली में ना तो उत्साह था, लोग थोड़े इकट्ठा किए थे इनने, लेकिन जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए उठे तो लोग उठ करके चले गए। लोगों को बोला ये तो अपने अपने पार्टी के लोगों के साथ भी झूठ बोलते हैं, नेताओं के साथ भी झूठ बोलते हैं, और लोगों को इकट्ठा किया कि राहुल गांधी जी आएंगे और प्रियंका गांधी जी आएंगे जी। जैसे ही मालूम पड़ा थोड़ा इंतजार करने के बाद जो लोग वहां आए थे कि वो नहीं आ रहे हैं, ना राहुल आ रहे हैं ना प्रियंका जी आ रही जी। और वो अपने अपना सामान लेकर के वहां से निकल पड़े, खाली कुर्सियों को मुख्यमंत्री भाषण देते रहे वहां पर, आपने देखा होगा जी। ठीक है जयराम ठाकुर जी, अगला सवाल मेरा यही है कि बार बार ये भी आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष पर या फिर बीजेपी पर कि अगर सुक्खू सरकार कुछ अपने टैक्सेस बढ़ाती है अपने इनकम को बढ़ाने के लिए तो उसमें कहा जाता है कि आम इंसान पर एक बोझ थोपा जा रहा है। फिर बात उठती है कि कर्मचारियों का वेतन हम कहां से दें क्योंकि हमें तो पूरी तरह से बॉन्ड करने की कोशिश की जा रही है, पहले तो डबल इंजन की सरकार थी अब तो सिंगल इंजन काम कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। देखिए सरकार कांग्रेस की बनी है, अब जिम्मेवारी उनकी है, मुझे उस बारे में कोई सुझाव नहीं देना, उनको कुछ बात कहने की आवश्यकता नहीं है, सरकार बनी है तो सरकार चलाएं, जो वादे किए हैं उनको पूरा करें, नहीं तो लोग इनको चलना मुश्किल कर देंगे सड़कों पर। ये परिस्थिति बन रही है हिमाचल प्रदेश में, आज आपने देखा होगा जितने लोग उनके कार्यक्रम में आए थे तो हमारी ओर से ना कोई व्यवस्था की गई थी, अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में जो प्रदर्शन हुए जिला मुख्यालय पर जी। और उसमें अभी कांगड़ा और मंडी जिले के प्रदर्शन होने को है।